बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। ये जो वीडियो आपके सामने है ये 21वें रोज़े की है। 21वें सहरी तक मैंने आपके साथ शेयर किया था और फिर उसके बाद यही हुआ था कि फजर के बाद हम लोग निकल गए थे मक्के की तरफ। पहले तो प्लान यही था कि जुमे की नमाज़ के बाद निकलेंगे, लेकिन फिर वही बात है, जब सफ़र आपके सर पे सवार होता है तो आपको नींद नहीं आ रही होती। तो बस हमने कहा चलें जी निकल जाते हैं, देखते हैं जहाँ रास्ते में जहाँ नींद आएगी वहाँ पे हम सो जाएंगे। और ये जो टाइम इस वक्त आपके सामने है ये तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ का हमने ब्रेक लिया था और ज़ोहर के बाद का टाइम है ये। जब हम लोग ताइफ़ में आए तो ताइफ़ में बहुत प्यारा मौसम था, बारिश भी बहुत प्यारी सी हो रही थी और बादल इतने ज़्यादा थे, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा था। तो यहाँ पर बस हम लोग रुके थे ताइफ़ से पहले, मतलब समझे ज़ोहर की नमाज़ हमने अदा की, जुमे की थी, खुतबा वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमें आराम से मिल गया था। फिर उसके बाद हम लोग ताइफ़ में एंटर हुए और थोड़ा और आगे जाके मीकात पे हमारा स्टे हुआ या रुकना हुआ, क्योंकि ये जो इब्राहिम बेटे साहब हैं ये जो हैं पहला उमरा कर रहे हैं कोविड के बाद, और उसकी वजह से इनका साइज़ का एहराम तो है ही नहीं, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल के बाद बच्चों की एंट्री हो रही है और उसमें साइज़ बहुत अप एंड डाउन हुए बच्चों के, तो इस वजह से इनका एहराम लेना भी मस्ट हो गया था। तो हमने यही कहा था मीकात से ले लेंगे क्योंकि वहाँ पर उनके साइज़ का आसानी के साथ आपको मिल सकता है। तो और यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ख़वातीन किस जगह पर आएँ और शॉपिंग ना करें। यही हाल यहाँ पे था कि इनको भी ये था कि मामा मैंने मोबाइल रखना है, बाबा मैंने मोबाइल रखना है, तस्बीह रखनी है, छोटे से किताब रखनी है, तो मैंने जो है एक बैग चाहिए। तो बस ये उसी की शॉपिंग में मसरूफ़ है, सारी शॉपिंग, अबाया, स्कार्फ, हर चीज़। मुझे यही था कि मैं रियाद से करके जाऊँ, मुझे वहाँ से कोई चीज़ ना लेनी पड़े, तो इसीलिए मैंने रमज़ान से पहले सारी चीज़ें कर ली थी। लेकिन बच्चों का क्या कहना, वो उनको तो हर जगह फ़न ही फ़न नज़र आ रहा होता है, तो बस वो अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर रमज़ान का उम्रा मिलना भी एक बहुत बड़ी नेमत काम है, इसीलिए इसको छोटा हज कहा जाता है। और लाजमी बात आ जाती है कि जब आप बहुत ज़्यादा सी मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला अजर भी उतना ही ज़्यादा आपको दे रहा होता है। तो यहाँ पर यही था कि रमज़ान का उम्रा करते वक्त एक थोड़ी सी हमें ये हो रहा था कि आखिरी अशरा है, इसमें अपॉइंटमेंट मिले हमें या ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बुलाना है तो ज़रूर मिल जाना है, और अगर नहीं बुलाना तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हमें नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पर बहुत खुशी भी रही हमें, और वही बात है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा हमें टफ भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बच्चे घूम जाएं, क्योंकि सब लोग का कहना यही था कि बहुत रश है, बहुत रश है, बहुत रश है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हमें रश मिला हो। बस यहाँ पर हम मक्के में एंटर हो गए हैं और एहराम देखने के बाद लाजमी उन लोग को पता लग जाता है कि उमरे के लिए आए हैं, तो फिर वो हमें शर्किया पार्किंग की तरफ हमें उन्होंने टर्न कर दिया। और यहाँ पर ऐसा प्लान था कि यहाँ पर इन्होंने जो है गाड़ियों को पार्क कर देना है एक तरफ, और फिर उसके बाद हमने जिस पार्किंग में एंटर हुए उसी वक्त टिकट्स ले लिए। तो एक पर्सन का जो है 18 रियाल का एक टिकट था और इन्होंने वो टिकट्स हमें दे दिए। वो राउंड टिकट था, यानी कि हमने जाना और आना दोनों था, और बसों की सर्विस इन्होंने यहाँ पर दी हुई थी। तो यहाँ पर बसों में हमने 2 बसें यहाँ पर बदलनी है और फिर 2 बसें बदलने के बाद हरम चले जाना है। पहला मैं अगर अपना याद करूँ तो पहले ये होता था जब हम मक्के में एंटर होते थे तो हम पार्किंग ढूंढते रहते थे, और कोशिश यही होती थी कि हरम के करीब पार्किंग मिले, जो कि नहीं मिलती थी, और घंटों के हिसाब से टाइम जो था हमारा ज़ाय हो जाता था, क्योंकि वही बात है पार्किंग ढूंढे जा रहे हैं, डिटोर हुई हुई है, कहीं रास्ता बंद हुआ हुआ है, कहीं पर चले जाना है, मोड़ दी गाड़ी को, तो मतलब इस तरीके से होता ही था कि हमारा बहुत टाइम ज़ाय हो जाता था। लेकिन इनका इस तरीके से बहुत टाइम की बचत होती है, एक ऑर्गेनाइज हुआ हुआ, जब आपको टाइम चीज़ें मिल रही होती हैं ना कि आपने यहाँ पार्क करना है, यहाँ से बस में सवार होना है, यहाँ से आपने बस स्टेशन पे उतरना है, और फिर उसके बाद होता है अगली बस भी आपको बड़े आराम से सीट बाय सीट आपको मिल रही होती है, तो समझे आपको टाइम गुजरने का भी पता नहीं लगता और आपको थकन भी नहीं होती और आप अपने उम्रा करने के लिए बिल्कुल फ्रेश होते हैं। बस ये अब यहाँ से हमारी जो दूसरी बस का जो सफ़र है वो भी ख़त्म हुआ और अब हम हरम की तरफ को पहुंच गए हैं। तकरीबन हरम के थोड़ा फासले पर ही बस ने हमें ड्रॉप किया और अब ये हरम की मीनारें नज़र आ गईं। और यहाँ पर सबसे पहले कोशिश ये होती है कि सुना है पढ़ा नहीं है कि हरम की मीनारें देखते ही जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है, और इस टाइम पे तो ऐसा हो रहा होता है कि बस मांगते चले जाओ। लेकिन गर्मी थी, बच्चों को समेटना था, तो दुआओं के साथ साथ यही नहीं कि सिर्फ मीनारों को ही देखे जा रहे हैं, नीचे से बच्चे भी समेटते चले जा रहे थे। और यहाँ पर रश भी अच्छा खासा नज़र आया, लेकिन इन्होंने रश को कंट्रोल किया हुआ था, ये नहीं कहेंगे कि वो जो एक होता ना धक्कम पेली होना वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस ये यहाँ पर हम लोग अहराम की वजह से ये इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं कि मताफ़ की तरफ एंट्री होनी है।
हमारा जो उमरा प्लान था वो रात के 4 बजे का था, यानी कि सुबह के 4 बजे का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ असर के बाद पहुँच गए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी असर की नमाज अदा की और फिर उसके बाद हम मताफ में एंटर हो गए। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। बस ये उम्रा हमारा निबट गया है और ये वापसी का सफ़र है। बस अब हमें रास्ते से कुछ खाना पीना है और उसके बाद हम एक फ्रेंड के आए हैं इनवाइट, तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ जाके हम डिनर करेंगे और उस सारी चीज़ों की मैंने क्लिप नहीं बनाई। तो चलें जी, अब हम जद्दा चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। बस जी, ये अगले दिन की सुबह यानी कि 22वें रोज़े की दोपहर है, समझें कि हम लोग वही बात है, सहरी वगैरह करने के बाद सो सुला गए, उसके बाद तकरीबन जोहर पे हमारा उठना हुआ, फिर उसके बाद हमने कहा थोड़ा सा जद्दा भी देख लें कि किस तरीके का है, क्योंकि जद्दा में तकरीबन आज से 10-12 साल पहले मैं जद्दा मेरा जाना या रहना हुआ था, उस टाइम पे इनका ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर। तो बस उस वक्त की कुछ यादें होती हैं, कह लें कि पुरानी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको वो सारा मंज़र, वो सारी चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाती हैं। और वही बात है, यहाँ का वेदर जो है, जद्दा का वेदर जो है, वो बिल्कुल आपको कराची वाला वेदर लगेगा। जिस तरीके से कराची में होता था ना कि मतलब सिर्फ पसीने आए चले जा रहे हैं, हर चीज़ आपको चिप 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 लग रही होती है, कोई ड्राइनेस नहीं होती, क्योंकि रियाद का वेदर तो बिल्कुल ही ड्राई ड्राई सा होता है ना। तो खैर, हमें काफ़ी चेंज लगा और फिर बच्चों की भी हालत ऐसी हो गई थी जब इनको हम यहाँ पे सी साइड पे लेके आए, क्योंकि वो जो 10 साल पहले वाला सी साइड था ना, उस टाइम पर इन्होंने बंद कर दिया था, वो बन रहा था नया कॉर्निश वगैरह। तो इस वक्त हमने कहा चलिए जी, नया वाला जो कॉर्निश है उसको हम देख लें कैसा है क्या है। बीच में कई दफ़ा जाते आते रहे, लेकिन हमेशा ही भागते दौड़ते होता था कि बस मक्का जाते थे, मक्के में उमरा करते थे, फिर फौरन जद्दा अगर गए तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम रुके और फौरन फिर भागते थे मदीने की तरफ या वापस रियाद की तरफ। लेकिन इस टाइम पे हमने कहा था कि एक दिन हम अपना जद्दा का रखेंगे, 1 से 2 दिन, ताकि जो है सुकून के साथ हम वहाँ पर बैठ सकें, क्योंकि इतना सफ़र से थक जाते हैं, कह लें कि फिर डायरेक्ट आपने उमरा भी करना है, 12 घंटे 10 घंटे का सफ़र भी बाय रोड वाला होता है, तो उसमें ना चाहते हुए भी आपको थकन फील होने लग जाती है। और वाकई इन्होंने बहुत अच्छा सा यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको अगर देखें तो बिल्कुल कराची में जैसे कि दो दरिया पे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं ना, कबाब जी वगैरह, तो बस यहाँ पे टेबलें रख दें तो वही मंजर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मौसम जो है ना, वो बच्चों को बिल्कुल नहीं मज़ा आया, तो बस थोड़ा सा ही टाइम यहाँ पर बैठे, लहरों का शोर भी इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि उतरता हुआ चाँद है, तो इस वजह से लहरों का शोर वगैरह इतना नहीं था। लेकिन हाँ, अलबत्त धूप गर्मी थी जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी उनकी एनर्जी लेवल डाउन था, एक तो रोज़ा भी था, दूसरा मौसम भी, और दूसरा जब आप सफ़र में होते हैं लाजमी थकन होती ही है। बस जी, यहाँ से हमारा प्लान ये था कि हमने जो है अपने फैमिली फ्रेंड के यहाँ चले जाना है, हमारी इफ्तार पार्टी जो थी उनके घर पे थी। तो बस यहाँ से हम लोग जैसे ही फारिग हुए उधर गए, और इतना भाग दौड़ कह लें एक तरीके से कि जल्दी जल्दी करने में भी हम वहाँ पर तकरीबन 5:30 पर पहुँचे, 5:30 नहीं बल्कि 6 o'clock पर ही पहुँचे। बस जब हम यहाँ से निकले तो रास्ते में ही हमें IMC हॉस्पिटल नज़र आ गया, और बस उससे कहते हैं ना, एकदम से आपको याद आने लग जाता है। अब आप ये देखें, बाहर से इसकी वीडियोस मैंने बनाई, पहले सोचा अंदर चली जाऊं, लेकिन टाइम लिमिट्स ऐसी आ गई कि अंदर की वीडियोस मैं नहीं बना सकी, उसकी वजह यही थी कि टाइम नहीं था। लेकिन सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है, 10 साल पहले मेरी जो बेटी हैं छोटी वाली,
उनकी यहाँ पे बर्थ प्लेस है ये समझे, तो उनको बड़ा शौक आ रहा था कि मामा अंदर जाके देखते हैं। और वाकई बाहर से अब एहसास हो रहा है, उस वक्त तो वही था, बच्चे छोटे छोटे से थे, रोज़ विज़िट हॉस्पिटल्स के हो रहे हैं तो इतना आप नहीं देख रहे होते, रोज़ाना विज़िट करते थे हॉस्पिटल में और फिर जाते थे घर, तो इतना आपको कदर नहीं होती कह लें, या इतना आपको नज़रों में नहीं होता। लेकिन अभी हमने देखा तो एहसास हुआ कि यार वाकई ये जो है एक होटल टाइप का सही, अंदर से तो याद है लेकिन बाहर से अब देखने के बाद हमें याद आया कि हाँ जी ये भी कोई होटल टाइप ही हॉस्पिटल था। तो बस जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एंड टाइम पर हम अपने फैमिली फ्रेंड के यहाँ पहुँच रहे हैं, और उस वक्त काफ़ी मतलब उसूलन तो ये होना चाहिए कि आप थोड़ा पहले पहुँचें। बस जी यहाँ पर अब हम इफ्तार करेंगे और फिर इसके बाद हमारा प्लान यही है कि हम कल जो है मदीने के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, तो बस जी इफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं मदीने के रास्ते में। चलिए जी अब हम आ गए हैं यहाँ मदीने का सफ़र हमारा शुरू हो गया है, और ये जो है ये 24वां रोज़ा है, यानी कि 25वीं शब जो है हमारी मदीने में इंशाल्लाह ताला होगी। जब हम जद्दा से निकल रहे थे तो हमारा बिल्कुल ऐसा प्लान हो गया था, थोड़ा सा बच्चों की तबीयतों को देखते हुए, थकन को देखते हुए, कि हम डायरेक्ट जो है रियाद चले जाते हैं, मदीना हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। तो बिल्कुल एंड टाइम पर, और इस पर हमने एग्री भी कर लिया सब ने, लेकिन जब एंड टाइम पर वो जो एक एग्ज़िट आता है ना कि रियाद या मदीना, उस वक्त कहते हैं अल्लाह ताला ने जहन बदल दिया और हमें जो है मदीने की तरफ कर दिया, और हमारे सबके दिल यही हुए कि चलें थोड़ा सा टाइम और यहाँ पर है, 3-4 घंटे का सफ़र के बाद मदीना पहुँच जाएंगे तो वहाँ की ज़्यारत करते हुए ही हम आएँ। बस अल्लाह ताला ने, वही बात है, अगर नसीब में लिखा होता है तो पहुँच जाते, नहीं होता तो हम रियाद की तरफ रवाना हो जाते। तो बस ये यहाँ पर हम मदीने में एंटर हो गए हैं, और हमारा भी यही, हमारा यही प्लान है कि हम जो है मदीने की जो हरम की पार्किंग है उधर हम गाड़ी को लगा देंगे और ऊपर चले जाएंगे। और ये हमारा जो टाइम है इस वक्त समझें असर के बाद का टाइम है, ये मगरिब से थोड़ा पहले का। तो बस इस टाइम पे हम मस्जिद नबवी में एंटर हो गए थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इफ्तार की तैयारियाँ हो रही हैं, सुफरे बिछ रहे हैं, और यहीं पर इफ्तार करने का एक अपना ही लुत्फ़ है। एक समझें यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना आप किसी दावत में जाते हैं और बस रिलैक्स हो जाते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं, तो बस यहाँ पर वही टाइम है, इफ्तार जो है वो बट रहा है, सुफरे लग गए हैं। और ये इफ्तार अगर आप देखें अपने घर वाले इफ्तार से अगर इसको हम कंपेयर करें ना, तो इस इफ्तार में बहुत थोड़ी सी चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी मज़े की और इतनी एनर्जेटिक होती हैं और फुलफिल होती हैं कि मतलब आपको खाने के बाद भूख नहीं लगती। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने खजूरें दी, दही दिया, दही के अंदर आपने चाट मसाला, वैसे तो यहाँ पे दुक्का होता है ये, और साथ ही ब्रेड होती है इनकी स्पेशल, उस ब्रेड के अंदर भी ज़ीरा कलौंजी वगैरह होती है, बहुत मज़ेदार सी होती है, साथ ही जमजम था। बस जी हम लोग अब यहाँ पे क़यामुल लैल के लिए आए हैं, क्योंकि इफ्तार करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे अपना वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद फैमिली फ्रेंड के यहाँ गए थे यहाँ भी हम, और फिर उसके बाद हम लोग ये आ गए थे तकरीबन 1-1.5 बजे के करीब क़यामुल लैल के लिए। तो यहाँ पर भी इनका भी यही सिस्टम है कि अपनी जो कार है, आपकी गाड़ी है, उसको आप एक पार्किंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पर पार्क कर दीजिए, फिर बसों की जो सहूलियात वगैरह हैं कार्ड्स ये बना देते हैं, और बस उसके बाद आपने बस से हरम आना होता है। बस ये मुमकिन है कि आज शब कदर हो, 25वीं रात की इबादत है, अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। बस ये यहाँ पर हम क़यामुल लैल करेंगे और उसके बाद हम अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ चले जाएँ। चलें जी बस हमारा प्लान के हिसाब से हम सुबह को समझें सहरी के बाद सोए थे, और सहरी के बाद तकरीबन हमें उठते उठते 1-1.5 बजा, और 1-1.5 बजे के करीब हम जो है अपना रवानगी पे निकल गए रियाद की तरफ। और ये मगरिब का टाइम है, यहाँ पे हमने हाईवे पर
रेस्टोरेंट्स नज़र आ गए हमें। वैसे तो खैर मैकडोनल्ड्स वगैरह भी काफ़ी नज़र आ रहे थे बच्चों को, लेकिन उस वक्त तक मगरिब का टाइम नहीं हुआ था और इत्तेफाक है अल्लाह ताला का करना था कि रोमांसिया हमें नज़र आया और बिल्कुल मगरिब के टाइम था। बस 5 मिनट हो गए थे, मतलब रोज़ा जो हमने खोला वो तो हमने अपनी कार में ही खोला, लेकिन फिर इसके बाद रोमांसिया पे स्टॉप लिया और यहाँ पर हमने चिकन मंदी हुआ ये सारा कुछ हमने ऑर्डर किया। और यहाँ पर इस वक्त हमने 3 चीज़ें ऑर्डर की थी और उसके बाद पता लगा था कि भूख ज़्यादा थी तो हमने चिकन मंदी बाद में ऑर्डर की, और फिर इनका जो कुनाफा होता है वो भी बहुत मज़ेदार सा होता है और वो हमने फिर खाने के बाद मीठे के तौर पर ऑर्डर किया था, जिसके क्लिप में नहीं बना सकी क्योंकि जिस वक्त वो कुनाफा आया था तो उस वक्त यही था कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो बस ये हमारा समझें 25वें रोज़े की इफ्तारी है और इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल की सहरी और इफ्तारी में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला सेहत दे मुझे तो मैं सहरी का व्लॉग भी आपके साथ बना के शेयर कर सकूँ और इफ्तारी का भी, जिसके चांसेस कम हैं लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। तो इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।